कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। ज्ञान का सूरज जब भी चमका, राह हजारों हुई रोशन, कुछ तुम भी पढ़ो, कुछ तुम भी पढ़ो, इन राहों ने तुम्हें बुलाया है। सुनो कारीगर नाम तुम्हारे, एक संदेशा आया है इल्म से जिसने हुनर को सींचा, बाग वही लहराया है, बाग वही लहराया है। माटी का असवार, माटी माटी को मारन लागी माटी के हथियार, माटी जोड़ा माटी घोड़ा, माटी का असवार, माटी माटी को मारन लागी माटी के हथियार। माटी हंकार, माटी बाग बगीचा, माटी माटी का गुलजार, माटी माटी को देखन आई माटी की बहार, हंस खेल फिर माटी होए पौधी पाँव पसार, माटी जोड़ा माटी घोड़ा, माटी का असवार, माटी माटी को मारन लागी माटी के हथियार, माटी जोड़ा माटी घोड़ा, माटी का असवार, माटी माटी को मारन लागी माटी के हथियार। अरे क्या बात है, शादी के बाद इन हाथों में बड़ी फुर्ती आ गई है। भौजी तुम्हें जो देख लिया था आते हुए। चलो जोरू के आने के बाद भी अपनी भौजी की याद तो है। अरे भौजी तुम्हें तो हम भूल ही नहीं सकते। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? बस भौजी, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत खराब। अरे हाँ एक बात याद आई। काम की बात तो भौजी को हमेशा बाद में याद आती है। एक आदमी कह रहा था कि स्कूल के लिए उसे कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ घड़े चाहिए। हाँ तो ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएंगे। लेकिन उसमें एक पेच भी है। पेच? वो क्या भौजी? पर ये कि उनपे कुछ लिखवाना विखवाना चाहता है। हाँ तो ठीक है, घड़े हमसे ले ले और लिखने का काम खुद कर ले। उसे तो पूरा काम करके देना होगा। तो मैं लिखने वाला कहाँ से लाऊं भौजी? देख ले, हाथ से बड़ा काम निकल जाएगा। अरे क्या बात है भौजी, कौन किसके हाथ से निकल जाएगा? बहू मैं तो तुम्हारे मन सेदु से ये कह रही थी कि सुंदरी के हाथ में ही तेरी नकेल है। भौजी हमारी नकेल किसी के हाथ में नहीं है, और वैसे भी जोरू और गोरू को तो हमेशा दबा के रखना चाहिए। देख लो भौजी कौन किसके हाथ में है। भाई हमारे मन में तो यही उमर घुमर हो रही है कि हाथ से काम निकला जा रहा है, अच्छे पैसे भी बन जाते। अरे तुम बात किसकी कर रही हो? लो मैं तो फिर से भूल गई, तुझे तो बताया ही नहीं 50 घरों का आर्डर मिल रहा है। हाँ पर इस गांव में तो सारे के सारे अनपढ़ हैं। अरे क्या मतलब? मतलब ये कि उन पे लिखवाना भी है। तुम मुझे बताओ ना, मैं लिख दूंगी। लो दिया तले अंधेरा, तुझे पढ़ना आता है? क्यों नहीं आता भला, बिल्कुल आता है। वाह फिर तो मजा ही मजा। वो कहावत है ना, पढ़ाई लिखाई हो जहां, दुख चिंता नहीं वहां। एक बात बता सुंदरी, अगर तू पढ़ना लिखना जानती थी तो तूने हमारे बुद्धू से शादी क्यों की?
क्या सोच रहे हो? तुमने पहले नहीं बताया था कि तुम पढ़े लिखी हो? मुझसे पूछा किसने? तो फिर आज रमा भौजी से बताने की क्या जरूरत थी? सैकड़ों रुपयों का काम मिलने वाला है, और फिर जो काम मैं करना जानती हूँ उसे बताने में क्या गुनाह? तुम्हें पता नहीं रमा भौजी के पैरों में पहिए बंधे हैं और मुंह बाजी की तरह दिन रात बसता रहता है। पूरे इलाके में गा गा कर बताएंगी कि रामगरीब अनपढ़ और उसकी जोरू पढ़ी लिखी। अरे तुम्हारे मन में तो बेकार की खुराफात चल रही है, सो जाओ आप। लेकिन तुमने छिपाया क्यों? यहाँ से पहले बताना चाहिए था तुम्हारे घर वालों को। अरे कोई ऐब होता तो छुपाते भी, किसी के ध्यान में ही नहीं आया। तुम्हारा काम धंधा ठीक था और हमारे यहाँ तो बस यही देखा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे क्या कभी कोई शिकायत की है? लेकिन मैं तो छोटा मनाना तुमसे, तुमसे हीन निरक्षर। और सुनो, अब देखो ये मत कहना कि मैं घड़ों पर ना लिखूं। हाँ रमा भौजी मुझे दरवाजे पर दिखाई दी तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। घड़ों और बर्तनों पर ये लिखना है। ठीक है जी। कब तक मिल जाएंगे? आज मंगल है, तुम सनीचर को लेना। ठीक है। और ये है तुम्हारी पेशगी, ये लो। चलें? हाँ चलो। भाभी ये क्या कर रही हो? घड़ों पर लिख रही हूँ। पढ़ो तुम क्या लिखा है। मेरा मजाक उड़ा रही हो? इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? तुम जानती हो ना कि मैं पढ़ना नहीं जानती। मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम था। लो एक नई बात मालूम पड़ी है। क्या हुआ? भाभी को अपने पढ़ने पर बड़ा गरूर है। इसे पढ़ना आता है क्या? पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है, और यही सब दिखाने के लिए इसकी छाती फटी जा रही है। और अम्मा घड़ों पर पता नहीं क्या क्या लिखे जा रही है। लिखने के लिए घड़े ही मिले हैं। पूछो तो कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया? चल गया होगा। लो बहू ने तो आधे से ज्यादा घरों पर नाम भी लिख दिया। मैं इतनी सियानी बहू हर किसी को मिले, अब तो राम गरीब की गरीबी दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे ऐसे भूखे नंगे तो हम कभी ना थे कि हमारी नैया ये बहू पार लगाएगी। अरे भाई सूखी रोटी तो मिल ही जाती है, लेकिन अगर रोटी के ऊपर एक छिटा घी कोई टपका दे तो क्या कहने। बहू ना होती तो ये घड़ों पर लिखने का काम तो हाथ से गया था। मुए कहीं की कहने लगे ये लिख दो वो लिख दो। अच्छा मैं भी कहूँ ये घड़ों पर क्या क्या लिखे जा रही है। जल ही जीवन है, पढ़ो तो बड़ो ज्ञान अधिकार है, समय सुमा
पढ़ो ना। ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर। मैं तो कहती हूँ लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। पता नहीं अभी इसने और क्या क्या बातें छिपा के रखी हुई है। पता नहीं सच क्या है क्या नहीं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इसमें समझने की क्या बात है, अब तुम सब लोग इस लड़की से पढ़ना शुरू कर दो। बापू की तो मती फिर गई है, उस महारानी के आगे हम सलेट पट्टी लेकर बैठेंगे क्या? इसमें हर्ज क्या है, तुम लोगों को तो समझाना मुश्किल है क्योंकि तुम तो नीट अनपढ़ हो। जब तुम लोगों को ये पता लगा कि लड़की पढ़ी लिखी है तो तुम लोगों ने सोचा कि उस पर हुक्म चलाना मुश्किल है, इसीलिए तुम लोगों के मुंह सूजे हुए। ये लो, कहां की कहां से भिड़ाई। भिड़ाई नहीं सच है, ये तुम्हारा लाडला बेटा है ना, जानती हो ना कैसे बहाने बना बना करके स्कूल से भागा करता था। मेरा एक सपना था कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और जब पढ़ी लिखी बहू आ गई तो सारे के सारे उसके ऊपर पिल पड़े। एक बात ध्यान से सुन लो, कल से मैं बहू के सामने तख्ती लेके बैठूंगा। बस इसी बात की कसर रहेगी थी कि बेटे की बहू मुंह उघाड़ कर तुम्हें पढ़ाए। आ, आ, आ। मैं तो सोच रही थी तुम हंसी ठठा कर रहे हो और तुम इस मास्टरनी के सामने स्लेट पट्टी लेकर बैठ गए। ना इसे हया और ना तुझे लाज। इसमें लाज की कौन सी बात है? अरे वाह, इसमें कोई लाज की बात ही नहीं कि अपनी बहू से पढ़ो। हा? जिस पर हमें हुक्म चलाना चाहिए उसी का हम हुक्म सा है। ने जाने कौन से जमाने की बातों को लेकर के बैठ गई। हमें नहीं चाहिए नया जमाना। लेकिन मुझे तो चाहिए। सारे बवाल की जड़ यही है। तो काट देते हैं इस जड़ को। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि चूल्हे चौके में ध्यान लगा, मास्टरनी मत बन। अरे ये मेरी मास्टरनी है। तो फिर इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। अगर मेरी पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किरकिरी है तो नहीं रहना मुझे इस घर में। कल की जाती अभी क्यों नहीं चल जाती? अरे ये क्या नस कर रहे हो, बेटी को रोकती क्यों नहीं हो? अरे जा जा। ये भाई अपनी बाकी की रकम ले। ये बड़े सही वक्त पे मिले हैं रुपए, बहन का ब्याह करना है। काम भी बहुत बढ़िया हुआ है। सुंदरी ने किया है, मेरी घरवाली ने। अच्छा, सुंदरी को बुलाओगे? वो तो नहीं है घर पर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारे दूसरे स्कूल के लिए इसी तरह के घड़े और बनाने हैं। जी वो तो नहीं हो पाएंगे। क्यों? वो सुंदरी कुछ टाइम के लिए अपनी माँ के घर गई है। अच्छा ठीक है। अरे सच सच क्यों नहीं बताता कि उसे घर से बाहर निकाल दिया? तो बाबूजी मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो। हाँ इज्जत तो सिर्फ तेरी ही है। पढ़ी लिखी लड़की को घर से बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। इस घर में सबकी खोपड़ी उल्टी है। अंधेरे में रहने की आदत थी ना, उजाला देखा तो आंखें बंद कर ली। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर।
सुंदरी दीदी कहाँ है? अरे सुंदरी, गरीबी नहीं आया? छोड़ उस बात को। क्या मतलब? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही काट लोगी? अब वैसे तो नहीं काटूंगी ना, जैसे मेरी सास चाहती है। तेरा शौहर भी तो कुछ चाहता होगा सुंदरी। वो गरीब क्या चाहता है क्या नहीं, ये सब उसकी माँ तय करती है। अरे तू एक चिट्ठी तो लिख कर दे। कौन पढ़ेगा वहाँ, सबके सब निरक्षर। और मुझे भी तो उन्होंने घर से इसलिए निकाला कि इसलिए क्योंकि तू पढ़ी लिखी है और वो नीरे अहमक। कुछ मत पूछ। लेकिन सुंदरी, दोनों ही अगर अपनी जिद के लिए चट्टान की तरह खड़े रहोगे तो फिर क्या होगा? उनके बीच में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए मेरी आने वाली संतान तो है ना, बहुत पढ़ाऊंगी इसे। माँ, सुबह सुबह इतना सारा खाना नहीं खा जाएगा मुझसे। अरे खाले खाले, दूर का रास्ता है। सुंदरी के हाथ के बने खाने की याद आ रही है। वो तेरे काबिल नहीं है रे। माँ, वैसे हमें ये काम मिल जाता ना तो सारे दलिद्दर दूर हो जाते। हाँ पता नहीं क्या होगा, इस ठेके के लिए 8-10 लोग तो जरूर आएंगे। लगता है जोरू की याद सता रही है। अम्मा, अरे जानवर बेच दो तो वो भी याद आता है, और वो तो आदमी का बच्चा है, और फिर उसकी गलती क्या थी? हाँ बोलिए। सब वो गमलों के काम के लिए आया था। बैठिए। पहले कभी काम किया? हाँ जी बहुत किया है। फॉर्म लीजिए, सारा भरिए, सारी जानकारी दीजिए जो कुछ जानते हैं, और सबसे नीचे दस्तखत कीजिएगा। आधे घंटे आपको बुला लिया जाएगा। कैसे लिखूं, मुझे तो अपना नाम तक नहीं लिखना आता। बहू हर किसी को मिले कि हमारी नैया ये बहू पार लगाएगी। एक बात ध्यान से सुन लो, कल से मैं बहू के सामने तख्ती लेके बैठूंगा। तुमने छुपाया क्यों? यहां से पहले बताना चाहिए था तुम्हारे घर वालों को। सारे बवाल की जड़ यही है। तो काट देते हैं इस जड़ को। अगर तू पढ़ना लिखना जानती थी तो तूने हमारे बुद्धू से शादी क्यों की? लेकिन मैं तो छोटा बनाना तुमसे, तुमसे ही निरक्षर। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं। मैंने तुमसे क्या कभी कोई शिकायत की है? क्यों, कैसा लगा जब बाबू ने फॉर्म भरने को दिया और तुम अपना नाम तक नहीं लिख पाए? लगा जैसे धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पढ़ी लिखी बहू को तुमने मायके खदेड़ दिया। मिले थे कभी तुम्हें उतने रुपए किसी एक काम में जितने बहू ने दिलवाए थे? मैंने उसे नहीं भगाया। लेकिन जिसने भगाया उसके कहने से तो तुम उठते बैठते हो। मेरे पैर में गठिया है, वरना मैं खुद ले आता बहू को। और इस औरत ने सारे घर को बिखेर के रख दिया। अरे आपस में दो घड़े टकराते नहीं क्या? एक बार मुंह से क्या निकल गया वो तो घर की दहलीज ही लांग गई। अब कहलवाओ मत, दिन रात वही रामायण बजती रहती थी, जब देखो तब ताना, जब देखो तब ताना। अरे जाओ ले आओ उसे, अब लक्ष्मी के ब्याह की तैयारी भी तो शुरू करनी है। अम्मा मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक पढ़ लिख न जाऊं, और वो भी सुंदरी भाभी से।
अबे गरीबे कहाँ चला? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तेरी भाभी को लेने जा रहा हूँ। तो मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊँ? एक बड़ा काम मिलने की उम्मीद थी लेकिन सब गड़बड़ हो गई। आज मुझे पहली बार पता चला कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। सुंदरी ने मुझे बार बार समझाया लेकिन मैं इतना मूर्ख था कि मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। और आज जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं आज उसे उसके घर जा रहा हूं लेने के लिए। लेकिन मुझे डर है कि क्या वो मेरे साथ आएगी। तुम दिल छोटा मत करो, वो अवश्य तुम्हारे साथ आएंगी। बात वो नहीं है यार, बापू तो हमेशा उसके हक में थे और अब तो सीला भी मान गई है। लेकिन मुझे डर है तो सिर्फ अम्मा का। अगर अम्मा ने सुंदरी का फिर से अपमान किया तो। जब तूने अपनी गलती मान ली, तेरे घर वालों ने अपनी गलती मान ली, तो तेरी माँ भी मान जाएगी। जा भाभी को लेकर। लो कुछ खा लो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। जो मैंने सीखा है उसे भूलने के लिए मत कहना। हंसी उड़ा रही हो? अब कौन हंसता है? हंसी तो तुमने छीन ली। मूर्ख था मैं। तुम मेरे होने वाले बच्चे के पिता हो। मैं तुमसे वायदा करता हूं सुंदरी कि मैं उसे अपने जैसा जाहिल और गवार नहीं बनाऊंगा। अब तक गवाया, अब नहीं गवाऊंगा। देखो बहू, इस घूंघट की वजह से ठीक से सुनाई नहीं देता कि तू बोल क्या रही है। देखो लखन भैया, मास्टरनी जी को तू वो मत कहना। बहू होगी तुम्हारी घर में, यहाँ तो गुरु जी है। और बहू तुम ये पिछड़ेपन का घूंघट नहीं हटाओगी तो ठीक से पढ़ा कैसे पाओगी?
हाँ, उठा दे बहू, ये पर्दा तो हमारी मती पे पड़ा हुआ था। कौआ से खरगोश, खासे खरगोश, कासे कौआ, कासे कौआ, खासे खरगोश, खासे खरगोश।